सो हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप काफ़ी कुछ मेरे चैनल से सीख रहे होंगे। सो गाइस, इस बार थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया गाइस, मैं थोड़ा सा शूट्स वगैरह बिजी था तो इसलिए मैं टाइम पे वीडियो दे नहीं पाया आपको। अगली बार से मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो वीडियो है पहले की तरह टाइम पर मिल पाए। सो इस बार के लिए थोड़ा सा सॉरी मैं कहना चाहूंगा आपको। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर जो कर्व है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से जो कर्व है वो आपकी इमेज में जो है वो वर्क करता है और किस तरीके से उसके अंदर जो लुमिनेंस वैल्यू है, रेड ग्रीन एंड ब्लू जो ये सारी चीजें हैं किस तरीके से वर्क करती हैं कर्व में। सो आज हम पूरा डिटेल में कर्व को समझेंगे। सो कर्व को समझाने के लिए मैंने दो मेथड यूज़ करे हैं। पहला मेथड जो है वो है ग्रे स्केल इमेज की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी इमेज में ये रिएक्ट करेगा। ग्रे स्केल इमेज आप जैसे कि इस मेरे मॉनिटर पर देख पा रहे हो, ये ग्रे स्केल इमेज है। इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सेकेंड, आपका ये इमेज है, इस इमेज पे सेम वही मैं समझाऊंगा कि इमेज पे आपका किस तरीके से काम करेगा। सो ग्रे स्केल आपको समझाने के लिए है और इमेज पे भी सेम चीज़ वर्क करेगी। बस आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने जो है कॉन्सेप्ट जो है वो रखा है। सो माय नेम इज हैरिक गाइस और आप देख रहे हो ए हैरिक प्रोडक्शन। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हैरिक प्रोडक्शन इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो फर्स्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर हैरिक प्रोडक्शन इंस्टाग्राम फॉलो कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ग्रे स्केल इमेज है, सीधा आपको जाना है कलर टैब में। सो आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है कर्व। सो बेसिकली आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं लाइक दिस, ये है कर्व। सो आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ ताकि इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन हो। सो बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें कर्व है। सो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डाविंची के अंदर कैसे ये काम करता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर वाइट ल्यूमिनेंस रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, ये आपको चार चैनल्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और ये है इसकी चेन। ओके, सो चेन को क्या, जब आप अनलिंक करोगे तो पर्टिकुलर हर एक चैनल पर हम काम कर पाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो फिलहाल साथ में रखते हैं, ये सेम है रेड ग्रीन ब्लू सारा, इसको अगर चेन ब्रेक करोगे तो एक एक करके भी ये वर्क करेगा। ये सेम ही चीज़ है, यहाँ से लो या फिर यहाँ से लो। ओके, ये सेम ही चीज़ है। और ये जो आपको नॉब्स हैं ये है रीसेट नॉब्स। ओके, और यहाँ पर सॉफ्ट क्लिप है, बेसिकली क्लिप को कितना सॉफ्ट करना है, हाई करना है। ओके, ऊपर से काटने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसा आप देख पा रहे हो अभी ये ग्रेस के लिए बैठा है, जैसे आप देख रहे हो लो वैल्यू, यहाँ से लो वैल्यू कट रहा है। ओके, स्कूप्स को आपको देखना है और यहाँ से हाई करोगे तो यहाँ से हाई वैल्यू जो है वो हाई वैल्यू आपका कट होगा और यहाँ से लो लो किस तरीके से बैंड हो रहा है और यहाँ पे हाई। ओके, ठीक है, ये किस तरीके से बैंड हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो है वो रिएक्ट करते हैं, ये वर्क करते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पर भी इमेज पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर लाइक दिस लाइक दिस, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंदर दे रखी हैं, ये इस तरीके से काम करती है। तो और यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलर रीसेट भी कर सकते हो। सो यहाँ से ओवरऑल रीसेट आपका हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रीसेट की है। सो ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ मोड्स नजर आएंगे तीन डॉट्स पर, तो ये भी कुछ मोड्स हैं, मतलब कॉपी टू रेड, कॉपी टू ग्रीन, कॉपी टू ब्लू एंड कॉपी टू ऑल, ठीक है। और यहाँ पे स्प्लाइन स्प्लाइन मोड को अगर ऑन करना है तो यहाँ पर आपका जो स्प्लाइन मोड है ये इस तरीके से स्प्लाइन मोड यहाँ से ऑन हो जाएगा। ये भी कभी बार बैंडिंग के काम आता है, चीज़ें जो करती हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या टूल्स, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद इसको थोड़ा समझते हैं। और यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे है एड डिफॉल्ट एंकर या एंकर्स, तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट में आप यूज़ करके और अपनी जो इमेज है उसको बैंड्स कर सकते हो। अदरवाइज आप जहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ पर भी ये डॉट्स अपने आप क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको एंकर मिल जाएगा। ओके, सो फिलहाल के लिए रीसेट और स्पैंड मोड को ऑफ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर है हिस्टोग्राम। तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कोई हिस्टोग्राम शो नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इसके अंदर आपको रेड ग्रीन एंड ब्लू का हिस्टोग्राम भी आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर शो कराओगे तो लाइक दिस। और यहाँ पे अगर आप हिस्टोग्राम को जैसे ऑफ है, सॉरी इनपुट है, ठीक है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो और यहाँ से आप हिस्टोग्राम का इनपुट दे सकते हो, ठीक है। इनपुट का मतलब अगर मैं आपको अगली इमेज में दिखाऊं लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हिस्टोग्राम आपका ऑफ है लाइक दिस, कोई हिस्टोग्राम नहीं है। बट जैसे ही आप ऑन करोगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनपुट आ गया, बट इनपुट में जब भी आप काम करोगे तो हिस्टोग्राम जो है आपका यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, आप नहीं देख, ये चीज़ें आपकी मूव नहीं करेंगी। बट जैसे ही आप इसको आउटपुट करोगे सो यहाँ पर आपका जो हिस्टोग्राम है ये भी मूव करेगा अंदर, आप देख पाओगे कि किस तरीके से आपके जो कलर्स हैं वो किस तरीके से ब्लेंड होंगे। तो ये था टोटल आपका कर्व जो इसमें टूल है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की, ये सारी प्रॉपर्टीज है और ये किस तरीके से काम करती है। अब हम बात करते हैं इसको कि ये किस तरीके से काम करता है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अगर अभी मैं ओवरऑल चैनल पे काम है, जैसे वाई पे है, यहाँ से चेन ब्रेक नहीं है,
तो ग्रे स्केल की मदद से पहले समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये ओवरऑल अगर मैं इसको आप करूँ, सो ओवरऑल ये हाईलाइट्स पॉइंट है, ओके। और अगर यहाँ से मैं इसको डाउन करूँ तो सीधा ये मतलब कि एक इमेज है, मतलब नीचे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाईलाइट्स और यहाँ पर शेडो, ओके, ये हाईलाइट्स, ये शेडो, ये मिड टोन। और अगर मैं यहाँ से हाईलाइट्स को डाउन करूँ तो पूरा डार्क की तरफ जाएगा यहाँ पर, और हाईलाइट्स को अगर अप करूँ तो प्रॉपर प्योर वाइट की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्ट करता है। और अदरवाइज अगर हम बात करें कि इसमें अगर आपको अपने चीज़ों को बैंड्स करना है, थोड़ा सा कलर्स निकालने हैं, तो वो भी बात करते हैं अभी। सो अभी ये ओवरऑल चैनल पे काम हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इस इमेज पे, तो आप देखोगे मेरा पर्टिकुलर यहाँ से चेन सिलेक्ट है, तो ओवरऑल ग्रीन पूरा बैंड होगा, पूरा मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू सारे बैंड्स होंगे। और अगर मैं यहाँ से करूँ तो यहाँ से भी सारे रेड ग्रीन एंड ब्लू जो है वो पूरे बैंड होंगे, ठीक है। तीनों कलर एक साथ हो रहे हैं। अगर हम चेन को ब्रेक करते हैं, मानो कि वाई जो है, पहले वाई से एक्सप्लेन करते हैं, वाई ये वाइट पे काम करेगा, प्योर वाइट पे, ठीक है, लाइक दिस तीनों चैनल्स पे, ओके। और रेड पे बात करना, तो अभी आप देखोगे मैं अगर पर्टिकुलर रेड को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ रेड चैनल आपको शो करेगा, और ग्रीन पे करूंगा तो ग्रीन चैनल, और ब्लू पे करूंगा तो ब्लू चैनल, ठीक है। तो बेसिकली जो रेड है, रेड चैनल को अगर मैं इसको बैंड करूं, बेसिकली आप देख पा रहे हो, तो रेड को अगर मैं अप करता हूं तो प्योर रेड की तरफ शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रे स्केल की मदद पर आप समझाता हूं, अगर मैं अभी खाली रेड चैनल जो है वो रेड चैनल काम कर रहा है, सो अगर मैं इसको रेड की तरफ करता हूं तो आप देख पा रहे हो प्योर यहां से रेड आएगा। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूंगा तो हमको यहां पे सैंड टाइप का कुछ कलर जो है वो मिलेगा सिर्फ रेड चैनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप बैंड्स कर सकते हो, अपने कलर्स को टोन्स क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस वे में काम कर रहे हो। और अगर रिसेट करके अगर ग्रीन को दिखाऊं तो यहाँ से आपको ग्रीन प्रॉपर ग्रीन होगा, और नीचे डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको जो कलर होगा वो मजेंटा टाइप का, पिंक टाइप का कलर आपके लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अगर ब्लू को करते हैं तो यहाँ सिर्फ खाली पर्टिकुलर एक चैनल पर हम काम कर रहे हैं चैनल को शिफ्ट करने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करते हो तो ब्लू पूरा ब्लू की तरफ जाएगा, ओके, लाइक दिस। और नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा येलोइश आपको मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये जो चैनल्स हैं अभी रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये किस तरह से काम कर रहे हैं। और ओवरऑल जो है वो वाइट चैनल लुमिनेंस वो पूरा ओवरऑल पे काम करता है तीनों चैनल्स पे, ठीक है। सो अभी मैं इसको रीसेट करता हूं और तीनों चैनल्स को ओपन करता हूं, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा ग्रेड करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो वी सपोज, जैसे मानो हम लोग अभी सिंपल पर्टिकुलर एक चैनल पे काम करते हैं, ओवरऑल चैनल पे। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि पहले ग्रे स्केल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मानो मैंने यहाँ से अपनी जो है वो शेडोज को थोड़ा सा डाउन किया लाइक दिस, और यहाँ से मिड टोन से हाईलाइट्स को अप किया, और यहाँ से मैंने शेडोज को डाउन किया। सो अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने इस तरीके से अपना जो है तीनों चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर जो मेरा ग्रे स्केल इमेज है जो आप ये देख पा रहे हो, सो ये किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके से मैंने अपने मिड टोन हाईलाइट्स एंड शेडोज को बैंड किया है पर्टिकुलर उस पार्ट पे, सो इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं खाली रेड चैनल की बात करूँ, सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रेड इसको बंद करके सिर्फ रेड चैनल ऑन करें, तो आप देखोगे ये रिएक्ट किस तरीके से करेगा। अभी सपोज अगर मैं इसको इस पर फोर डॉट्स लगा देता हूँ, थ्री डॉट सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। सो वी सपोज अगर मैंने इसको अप करा लाइक दिस, तो यहाँ पर रेड होगा, ठीक है, सिर्फ रेड चैनल। और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा सैंड टाइप का कलर है, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो रेड दोबारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपने देखा कि मैंने अपने लाइन को इस तरीके से मोड़ा है कर्व के, तो ये जो है इमेज किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। सो सेम ये ग्रे स्केल पे जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, सेम इसी तरीके से जो है वो इमेज पे रिएक्ट करेगी, वो हम अभी समझेंगे। सो सेम अगर अभी ग्रीन देख रहे हो आप, सिर्फ पर्टिकुलर एक चैनल ले रखा है, तो अभी ग्रीन के अंदर कुछ भी नहीं है, सो ग्रीन अभी बिल्कुल स्टेट ही है। सो सेम अगर आप ग्रीन को भी करोगे तो सेम ग्रीन भी रिएक्ट करेगा लाइक दिस ग्रीन, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा मजेंटा टाइप का, और यहाँ पर पूरा ग्रीन, और नीचे करोगे तो प्रॉपर मजेंटा भी शिफ्ट होगा। सो इस तरीके से ये जो है इमेज रिएक्ट करती है। बाकी स्प्लाइन मोड को भी अगर यूज़ करते हो तो स्प्लाइन भी इस तरीके से काम करेगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्रिएट करते हो लाइक दिस और लाइक दिस, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से बैंड किस तरीके से होगा लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट। अब आप देख पा रहे हो इमेज किस तरीके से रेड कर रही है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये मजेंटा जो है नीचे से ब्लेंड होगा और ग्रीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा लाइक दिस। और यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन अप होगा, और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा करूँ समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ से थोड़ा सा मजेंटा अगर आप ऑन करो ग्रीन, और यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइक दिस, थोड़ा सा लाइक मजेंटा टाइप का।
सो आप देख पा रहे हो कि जो कर्व है, मैं पर्टिकुलर चैनल पे काम कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर वो किस तरीके से जो कलर्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। सो सेम ब्लू भी यही करेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ओवरऑल चैनल पे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है, मैं ओवरऑल मतलब रेड ग्रीन और ब्लू तीनों चैनल पे काम होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ग्रे स्केल की मदद से आप किस तरीके जो है वो अपने कलर्स को पॉपअप कर सकते हो और किस तरीके से जो है ये कर्व जो है वो काम करता है और किस चीज़ से कोई भी टोन बनानी है, कोई भी चीज़ आप कर रही हो तो वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ कर रहे हो। सो आई होप आपको समझ में आया हो पूरा डिटेल में ये चीज़ कि कर्व किस तरीके से काम करता है। सो अभी मैं थोड़ा सा अपनी जो है वो क्लिप को लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पर्टिकुलर क्या होगा, ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर पूरा कर्व है, तो अभी आप और इसी तरीके समझोगे ग्रे स्केल की मदद से, तो आप थोड़ा सा आई होप समझ गए हो, नहीं समझे तो यहाँ पर भी समझ जाओगे, वो सिर्फ समझाने के लिए है। सो अभी सारे चैनल मेरे ऑन है और यहाँ पर देख रहे हो सारे चैनल हाईलाइट्स भी हैं और यहाँ से मेरा जो मोड है वो हिस्टोग्राम आउटपुट मोड जो है वो ऑन है। सो अभी आप देख पा रहे हो मैं अगर अप करता हूँ तो मेरे तीनों चैनल जो है वो वर्क कर रहे हैं। फिलहाल के लिए स्पैन मोड जो है वो मैं बंद करता हूँ। अब आप देख पा रहे हो मेरे तीनों चैनल जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं लाइक प्रॉपर हाईलाइट्स और यहाँ से प्रॉपर डार्क, ठीक है, और यहाँ से मिड टोन, ठीक है। सो अभी आप देख पा रहे हो कि अभी ये किस तरह से काम कर रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको अप शिफ्ट करता हूँ, पहले जैसे हम कर रहे थे उस तरीके से। मानो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो शेडोज़ की हाईलाइट्स को बढ़ाया, शेडो की हाईलाइट्स को, या मिड टोन को मैं थोड़ा सा डाउन किया और यहाँ हाईलाइट्स को मैंने बढ़ाया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो इमेज है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी क्या ये तीनों चैनल जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्टिकुलर अभी आप देख पा रहे हो तीनों चैनल जो आप ये हिस्टोग्राम आपको 20 में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। सो अगर मानो मैं पर्टिकुलर अभी इसके अंदर तीनों चैनल वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर मानो मैं सेम वही चीज़ अगर मैं रेड चैनल के साथ करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ रेड चैनल सेलेक्ट होगा लाइक दिस, ठीक है। तो अभी आप देखोगे सिर्फ रेड चैनल मेरा शिफ्ट होगा, सिर्फ खाली रेड चैनल, ना कि तीनों चैनल्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करूँ तो देख रहे हो रेड चैनल जो है मेरा शिफ्ट हो रहा है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, देख लो सिर्फ रेड चैनल लाइक दिस, ठीक है। तो ये रेड है, ओके। सो बेसिकली आपको यही चीज करनी है कि जैसे अगर ब्लू पे करोगे, सॉरी रेड अभी क्या था, अभी अगर ग्रीन पे करते हैं तो ग्रीन चैनल यहाँ पर देखो ग्रीन अलग है, तो यहाँ पर ग्रीन शिफ्ट होगा लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हाईलाइट्स भी होगा ग्रीन। सो इस तरीके से जो है वो आप सेम जो है वो वर्क कर सकते हो। अभी मानो हम रेड चैनल पे अगर थोड़ा सा डाउन करें चीज़ को, जैसे मानो ये यहाँ पर मैंने रेड को थोड़ा सा डाउन करा और इसको मैंने थोड़ा सा अप करा लाइक दिस, जैसे रेड टोन आएगी और यहाँ से मैंने इसको डाउन करा, तो देख पा रहे हो आप जो रेड था वो नीचे की तरफ डाउन कर देते तो थोड़ा सैंड टाइप का लुक देता था, तो थोड़ा सा सैंड टाइप का लुक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो आपकी, मैं आपको जब समझा रहा हूँ कोई ग्रेड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, कि आपकी जो इमेज है वो किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करती है लाइक दिस। तो मानो मैंने अगर यहाँ से इसको लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लाइक दिस, तो अगर मैं आपको दिखाऊं चेंजेस तो आप देख पा रहे हो लाइक बिफोर देन आफ्टर, बिफोर देन आफ्टर। तो यहाँ से मैंने सिर्फ रेड को थोड़ा सा डाउन किया है जिससे मेरी सैंड टाइप की लुक जो है वो जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर ग्रीन को करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं रीसेट करके अगर ग्रीन करूँ, सेम वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक दिस और इसको सेंटर, और यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा करूँ तो यहाँ थोड़ा सा मजेंटा टाइप का लुक जो है वो मुझे मिलेगा, थोड़ा सा पिंक मजेंटा कह सकते हो आप लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा पिंक टाइप का लुक है क्योंकि मैंने ग्रीन के हाईलाइट्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। अगर मैं हाईलाइट्स को अप करता हूँ तो आपको पता है ग्रीन टोन आएगा प्रॉपर, और यहाँ करता हूँ तो यहाँ बीच में पिंक टोन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो कि ये जो है कर्व किस तरीके से काम करते हैं अपनी वीडियोस पर और किसी भी चीज़ पर। सो इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। सो अब डिपेंड करता है आपको क्या टोन बनानी है और कर्व को किस तरीके से मोड़ना है। तो ये समझाने के लिए वीडियो आई थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, आप देख लेना, थोड़ा सा डिटेल में बताना ज़रूरी था। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। सो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक चीज़ और, ये ग्रे स्केल है, नॉर्मल ग्रे स्केल है, सारे नोट्स अभी रीसेट हैं और ये मेरा सारे चैनल ओपन है। सो अभी हम थोड़ा सा ट्विक करके देखते हैं इस वाली इमेज पर। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँ लाइक दिस, इसको थोड़ा सा अप करूँ लाइक दिस, अब ये ओवरऑल चैनल है, कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, यहाँ से मैं थोड़ा सा डाउन करूँ, चलो अप करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा डाउन मिड टोन को, तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके का लुक मुझे मिला है, यहाँ से थोड़ा सा शेडो डाउन, ठीक है,
तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हो ये कर्व कुछ इस तरीके से डाउन हुआ है, बाकी इस प्लान वगैरह की मदद से भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बोला था। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप देखोगे तो पहले कुछ इस तरीके से था, अभी कुछ इस तरीके से है। ओके, अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी। सो अभी मैं ग्रे स्केल पर जाके इसको डालता हूँ। अभी ये नॉर्मल ग्रे स्केल है, नॉर्मल फ्लैट इमेज है। सो मैं इसको उस वाली चीज़ को यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो अभी यहाँ पर जो चेंजेस आएगा उसकी मदद से भी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ जो है वो इसमें मैंने क्या क्या शिफ्ट किया है। अभी आप देख पा रहे हो ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, ओके, ये पर्टिकुलर इमेज, ओके, इस इमेज पर अभी जो है वो चेंजेस नजर आएगा आपको, मैं दिखाता हूँ लाइक कंट्रोल वी। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें भी आप देखो ना, जो हाईलाइट जो है पूरा, मतलब कि मैंने यहाँ से शिफ्ट करा इस तरीके से, आप देख पा रहे हो ये मैंने प्रॉपर शिफ्ट करा यहाँ से और यहाँ से हाईलाइट अप करा। सो अगर इसको डिसेबल करूँ तो आप देख पा रहे हो लाइक दिस, ठीक है। शेडोज को मैंने थोड़ा इधर किया, थोड़ा सा मिड टोन को, थोड़ा मिड टोन और थोड़ा सा हाईलाइट्स को। तो इस तरीके से जो आपकी इमेज जो है वो रिएक्ट करती है। अगर मैं यहाँ से हाईलाइट्स को उठाऊँ लाइक दिस, तो यहाँ से आप देख रहे हो हाईलाइट्स पूरा और शेडोज, ठीक है। सो अभी मानो मैंने इस पर थोड़ा सा हार्श मिटोन आ गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करना चाहते हो। जैसे कि आप देख रहे हो हाईलाइट और यहाँ से लो, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी कुछ इस तरीके से है, अगर मैं इस वाली प्लेट को कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी, और इस वाली प्लेट को अगर मैं डिलीट करूँ, और इसी वाली प्लेट को मैंने कॉपी किया था, इस पर पेस्ट कर रहा हूँ कमांड कंट्रोल बी सॉरी, तो आप देख रहे हो ये किस तरीके से जो है वो रिएक्ट हुआ है। सो इस तरीके से ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि अभी जैसे हाईलाइट ज़्यादा हो गए और शेडोज पूरा डाउन हो गया, तो इस तरीके से आपको मैंने समझाया है कि जो कर्व है, फिलहाल इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझाया है कि जो कर्व है वो किस तरीके से काम करता है, और इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी टोन को बनाने के लिए, और किसी भी कलर्स को या कोई भी चैनल्स है या कोई भी पार्ट को अगर आपको बैंड करना है, उठाना है हाईलाइट शेडो को, जो भी ऐड करना है उसके अंदर। तो अब कर्व जो है बहुत पावरफुल चीज़ है, मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरीके से वर्क करता है। इमेज पे भी करके मैंने दिखाया और आपको ग्रे स्केल की मदद से मैंने समझाया कि ये वर्क किस तरीके से करता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका इसका क्लियर हो गया तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि मुझे किस तरीके से जो है वो काम करना है इस चीज़ पर। सो बस गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि ये जो कर्व टूल है इस पर आपको समझाना, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, मैं काफ़ी इसको यूज़ करता हूँ इस चीज़ को चैनल्स वगैरह में जाके, और इसको थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करता हूँ कलर्स को, और हाईलाइट शेडो में टोन्स में थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से करता हूँ ताकि प्रॉपर बढ़िया रिजल्ट आए। सो आई होप गाइस कि आपको जो ये वीडियो था ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो आज के लेक्चर सिर्फ गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।